सरकार के निर्देश पर शिक्षा आयुक्तालय ने पाठ्यक्रम आनंदम के तहत ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ युवाओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कारगर कदम साबित करने की कोशिश की है और इसका असर भी अब दिख रहा है। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में भी इसकी शुरुआत की गई। शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान के जारी इस पाठ्यक्रम को बीएससी प्रथम वर्ष में अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जिसे पास करना भी जरूरी होगा। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने शानदार कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा में नवाचार किए हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को तनाव से मुक्त रखने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नया पाठ्यक्रम आनंदम कोर्स को जोड़ा है, जिसके तहत विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रखने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ना है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों में आनंदम पाठ्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। आनंदम योजना के तहत प्रदेश के करीब 20 लाख से अधिक कॉलेज के छात्र छात्राओं को सामाजिक सरोकार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सरकारी कॉलेजों में आनंदम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। अलवर के राजऋषि महाविद्यालय में भी इसकी शुरुआत की गई, जिसमें वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन छात्र जुड़े, जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर दिनेश शर्मा और नोडल अधिकारी ममता शर्मा ने छात्रों को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और छात्रों को समाज में उनकी जिम्मेदारी के प्रति भी जागरूक किया। सरकार का उद्देश्य है कि जो छात्र किन्हीं वजहों से डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं या फिर किसी तरह से रास्ते से भटक जाते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आनंदम प्रोजेक्ट काम करेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर हम आनंदम विषय के माध्यम से बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का, समाज के नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार करने का प्रयास करेंगे। सुनीता जैन और नोडल अधिकारी सहित स्पीकर दिनेश शर्मा ने बताया, इस प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा छात्र छात्राओं को ऑनलाइन जोड़ा गया है। दिनेश शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए युवाओं को देश और समाज की बदलती परिस्थितियों में वो अपने आप को एक वॉलंटियर के रूप में खड़ा कर सके, इसके लिए उन्हें तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो इसमें पर्सनल डायरी बनाएगा हर बच्चा, और उस डायरी के अंदर डेली किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक कार्य करता है वो, तो वो अपना डेली डायरी में नोट करेगा। और इसके साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंदर 10 बच्चे ग्रुप बनाकर उस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी काम, ये सभी जो भी काम किए जाएंगे समाज से संबंधित होंगे, और वो बच्चे आपस में 10 बच्चे मिलकर तय कर सकते हैं कि वो किस तरह का क्या काम करना चाहते हैं। आनंदम प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में सभी कॉलेजों में इसी सत्र 2020-21 में लागू किया गया है। इसमें बीएससी प्रथम वर्ष में अनिवार्य किया गया है। इसके तहत छात्रों को अपने किए सामाजिक कार्यों को डायरी में लिखना होगा, जिसका कॉलेज प्रबंधन समय समय पर जांच भी करेगा। इस पाठ्यक्रम का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन इसे पास करना भी जरूरी है। राजस्थान में शिक्षा आयुक्तालय द्वारा जारी किए गए आनंदम प्रोजेक्ट के तहत एक नया पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। कॉलेजों में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ इस पाठ्यक्रम के मार्फत छात्र छात्राओं को सामाजिक सरोकार के तहत उन्हें अपनी जिम्मेदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में आज के हालात को देखते हुए छात्र अपने आप को वॉलंटियर के रूप में स्थापित कर सके, इसका मुख्य उद्देश्य यही है।